हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कुछ ऐसे तरीका जिससे आपका पीसी थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, बूट टाइम भी फास्ट होगा और पीसी ऐसे स्मूथ चलेगा और गेम में भी थोड़ा FPS ज़्यादा मिलेगा। कुछ खास चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही चीज़ है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। जो जो सेटिंग मैं बताऊँगा आपको, वही सेटिंग आपको अप्लाई करना है। इससे आपका पीसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा, पीसी को स्पीड अप मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा होगा पीसी को कैसे क्लीन करना है। पूरा पीसी को हम लोग अच्छी तरह क्लीन करेंगे। जो जंक फाइल्स होता है ना, उससे पीसी बहुत स्लो होता है, वो पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग पीसी का कुछ सेटिंग करेंगे जिससे पीसी थोड़ा फास्ट चलेगा, पीसी का प्रायोरिटी ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आसानी से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले ये स्टार्ट आइकॉन पर जाना है, राइट क्लिक करना है, रन पर जाना है, यहाँ पर लिखना है टेम्प, ओनली टेम्प, TEMP, ओके करना है। यहाँ पर जो भी आता है सबको डिलीट कर देना है, सब कुछ डिलीट, जो डिलीट नहीं होगा उसको स्किप कर दीजिए। फिर से हम लोग लिखेंगे %temp%, ठीक है, जो भी आएगा सब कुछ डिलीट कर दीजिए, जो नहीं होगा उसको स्किप कर दीजिए। फिर हम लोग लिखेंगे प्रीफेज, PREFETCH, प्रीफेज। यहाँ पर आपको रेडी बूट छोड़कर बाकी सब डिलीट करना है। रेडी बूट डिलीट मत कीजिएगा, वर्चुअल मेमोरी का साइज है, इसको डिलीट नहीं करेंगे हम लोग। अभी आपको लिखना है रिसेंट, RECENT, रिसेंट। यहाँ पर जो भी आता है आपको डिलीट कर देना है। आपको लगेगा ये काम का फाइल है, डिलीट कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, ये जस्ट एक हिस्ट्री है। यहाँ से आप डिलीट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका फाइल का, सिर्फ ये हिस्ट्री डिलीट होगा, तो आप बेझिझक यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगला काम आपको यहाँ पर टाइप करना है ई भी लिखा, इवेंट व्यूअर आ गया। इसके अंदर आपको विंडोज़ लॉग पर डबल क्लिक करना है, फिर एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक करना है। इतने दिन से आपने जितने भी एप्लीकेशन रन किए वो यहाँ पर काउंट हो रहा है, देखिए। तो हम इसको क्लीन अप कर देंगे। क्लियर लॉग पर क्लिक कीजिए, क्लियर कर दीजिए। सिक्योरिटी, कितना सिक्योरिटी स्कैन हुए आपके कंप्यूटर में, वही हिस्ट्री है ये, देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्लियर कर देना है सब कुछ, यहाँ पर जितना है सबको क्लीन अप कर देना है, फिर इसको क्लोज कर देना है। अभी हम लोग जाएंगे दिस पीसी में, सिंपली सी पर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपली जितना भी है यहाँ पर सब कुछ टिक रहना चाहिए, देख लीजिए सब टिक है। फिर आपको क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक कर देना है, सब कुछ फिर से देख लीजिए टिक है कि नहीं, फिर ओके कर दीजिए। डिलीट फाइल्स, आप बहुत दिन से अगर डिलीट नहीं किए तो यहाँ पर बहुत टाइम लेगा, 10 मिनट भी ले सकता है, मैं तो डेली करता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, 1-2 मिनट में ही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर टाइम ले सकता है, आप इसको टाइम दीजिएगा, कैंसिल मत कीजिएगा। अगला स्टेप, आपको स्टार्ट आइकन पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पर जाना है, यहाँ पर आपको सिस्टम पर जाना है, यहाँ पर स्टोरेज पर जाना है, टेम्पोररी फाइल्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिर्फ डाउनलोड फोल्डर छोड़कर बाकी जितना भी है सब टिक कर दीजिए, देखिए 59 MB हो चुका है, इसको हम रिमूव कर देंगे। जितना भी जंक फाइल्स है, टेम्पोररी फाइल्स है, सब डिलीट हो जाएगा। अभी 00 दिखा रहा है, मतलब सब कुछ क्लीन हो चुका है। अगला स्टेप, हम लोग दिस पीसी पर जाएंगे, सी पर जाना है, विंडोज़ पर जाना है,
यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन इस फोल्डर के अंदर जाना है, फिर डाउनलोड के अंदर जाना है, यहाँ पर जितना भी है सबको डिलीट कर देना है। ये वही फाइल्स है जो आपका विंडोज़ अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद वो तो इंस्टॉल हो जाता है पर डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर जमा हो रहता है, आपका स्टोरेज खाकर बैठा रहेगा, तो इसको डिलीट कर दीजिए। सब कुछ हम लोग रिसाइकल बिल से उड़ा देंगे। अभी आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का नाम है सी क्लीनर, यहाँ पर लिख देंगे सी क्लीनर। ये सी क्लीनर का वेबसाइट पे आ जाना है, यहाँ पर फ्री वर्जन हमको डाउनलोड करना है, प्रो वर्जन पैसा देना पड़ेगा, ये फ्री से भी काम चल जाएगा। सिंपली फ्री वर्जन पर क्लिक कर देना है, फ्री डाउनलोड, डाउनलोड शुरू हो चुका है। डाउनलोड होते ही हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल, ये सी क्लीनर एप्लीकेशन के साथ साथ ये एवीजी एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करेंगे इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रन क्लीनर पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड, मेक इट बेटर, फिर कस्टम क्लीन पर क्लिक करना है, रन क्लीनर, कंटिन्यू, रजिस्ट्री। आपने अपने जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किए अनइंस्टॉल किए सब रजिस्ट्री में रजिस्ट्री हो जाता है, तो सारे रजिस्ट्री फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे। स्कैन फॉर इश्यूज, इतने सारे फाइल इंस्टॉल हुआ अनइंस्टॉल हुआ सब रजिस्ट्री है ये। प्रीव्यू सिलेक्शन इश्यूज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे, फिक्स ऑल सिलेक्टेड इश्यूज, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, हो गया क्लियर, क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे और यहाँ से भी क्लोज कर देंगे इसको। ये तो हो गया सिस्टम क्लीन का काम। अभी हम लोग थोड़ा सा सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, नीचे आ जाइए, यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग यहाँ पर दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एडवांस पे सिलेक्ट करना है, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट रहेगा, आपको थर्ड ऑप्शन पर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, फिर आपको एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन रहेगा, बैकग्राउंड सर्विस और प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम पर सिलेक्ट करना है, फिर चेंज पर सिलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्टली आपका यहाँ पर टिक रहेगा, आपको इसको अनटिक करना है और यहाँ पर टिक कर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सी ड्राइव में कितना जगह है, मेरा बहुत जगह है इसलिए मैंने 20,000 दे दिया, आपका अगर कम जगह है उस हिसाब से दीजिए। अगर जगह कम है तो यहाँ पर ज़्यादा मत दीजिए, पीसी क्रैश होगा, ठीक है। एकदम जगह कम है तो मत कीजिए, लेकिन स्टोरेज कम है आपने यहाँ पर ज़्यादा दे दिया तो सिस्टम क्रैश होगा, ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो मेरा तो बहुत जगह है इसलिए मैंने 20,000 दे दिया, मतलब 20 GB, और यहाँ पर 20,001 सेट कर देना है, ओके कर देना है, फिर अप्लाई कर देना है। ये सब करने के बाद पीसी रिस्टार्ट मांगेगा, आपको रिस्टार्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर टाइप करना है MSC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर बूट पर क्लिक करना है, एडवांस ऑप्शन पर जाना है, आपका यहाँ पर अनटिक रहेगा और वन सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पर टिक कर देना है। और यहाँ पर मैक्सिमम जितना कोर दिखा रहा है, ये प्रोसेसर का कोर है, जितना कोर दिखा रहा है उसको सिलेक्ट कर देना है। बात को ज़रा ध्यान से सुनिए, आपका पीसी का हार्डवेयर नहीं जानता है कि आप कौन सा प्रोग्राम चला रहे हैं, आप विंडोज़ 10 चला रहे हैं क्या, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, लिनक्स है, उबुंटू है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, बहुत सारा प्रोग्राम है, तो कौन सा प्रोग्राम चल रहा है पीसी में पीसी को नहीं पता। तो हम विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 को प्रोसेसर कितना प्रायोरिटी देगा, तो यही वो ऑप्शन है, दूसरा कोई प्रोग्राम हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पूरा प्रायोरिटी विंडोज़ 10 को ही देंगे, पूरा को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर ऐसे टिक करके छोड़ देना है, बस हो गया यहाँ का काम, ओके कर दीजिए। फिर सर्विस पर जाइए, यहाँ पर हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज, यहाँ पर टिक कर देना है। और यहाँ पर अगर कोई अपडेट सर्विस होता है जैसे गूगल क्रोम सर्विस अपडेट, अपडेट लिखा रहेगा
उसको बस अनचेक करके अप्लाई कर देना है। मेरे यहाँ पर नहीं है तो मैं अनचेक नहीं करूँगा। यहाँ पर जो भी है मेरा ज़रूरी फाइल्स है तो मैं किसी को अनचेक नहीं करूँगा, ओनली अप्लाई करके ओके कर दूँगा। रिस्टार्ट मांग रहा है, बाद में रिस्टार्ट कर लेंगे, अभी तो क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपको नीचे राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पे जाना है, स्टार्टअप पे जाना है। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, ऑन होने के साथ साथ कौन सा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अगर इनेबल रखेंगे, पीसी ऑन होते ही वो एप्लीकेशन रन होने लगेगा। तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, ओनली ज़रूरत है रियलटेक HD ऑडियो ड्राइवर और माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी, विंडोज सिक्योरिटी जो होता है डिफेंडर, उसकी ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी बात है। अगर आप लोगों को कोई सॉफ्टवेयर जैसे डिस्कॉर्ड हो गया, कुछ और सॉफ्टवेयर पीसी ऑन होने के साथ साथ ऑटोमेटिक स्टार्ट करना है, उसको आप मैनुअली स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, तो इनेबल रखिए, वरना डिसेबल कर दीजिए। इससे पीसी स्लो होगा और अगर डिसेबल करके रखेंगे तो पीसी फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख देख कर ध्यान से कर लेना है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं और पबजी खेलते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही पीसी और पबजी से रिलेटेड ही वीडियोस डालता हूँ, आपका बहुत ही काम आएगा। हर अपडेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है पबजी मोबाइल का, तो सारा प्रॉब्लम का फिक्स का वीडियो मैं बनाता हूँ। और अगर आपको एनवीडिया कंट्रोल पैनल को ऑप्टिमाइज़ करना है कैसे ये पता नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एक वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। एनवीडिया कंट्रोल पैनल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।